हमारे किचन से बहुत सा गीला कचरा उत्पन्न होता है, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके और बची हुई चाय पत्ती। क्या हम इस कूड़े को किसी उपयोग में ला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हम इससे वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कूड़े को खाद में बदलते हैं और उसे पौधों में इस्तेमाल करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक छोटी लकड़ी का डब्बा लें। ध्यान रहे वह स्थान ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा और किसी छायादार जगह में हो। रेत की एक परत बनाएं और उसके ऊपर एक मिट्टी की परत बनाएं और उसमें केचुए छोड़ दें और उसे घास की एक परत से ढक दें। उसके ऊपर गीले कचरे की एक परत बनाएं, जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, अंडों के छिलके और इस्तेमाल की गई चाय पत्ती। उसके ऊपर सूखे कचरे की एक परत बनाएं, जैसे अखबार और गत्ते। लेकिन याद रखें कि प्लास्टिक, हड्डियां, मांस, नॉन बायोडिग्रेडेबल सामान ना डालें, क्योंकि उससे रोग पैदा करने वाले जीवाणु की वृद्धि होते हैं। परत को गीला करने के लिए थोड़ा पानी डालें। पर्याप्त भोजन और नमी के साथ कीड़ों की वृद्धि होती है। और आखिर में सबसे नीचे आपको एक भगोना रखना है जिसमें आप वर्मी कंपोस्टी जमा कर सकते हैं। 3-4 सप्ताह के बाद डिब्बे में गीली मिट्टी जैसे पदार्थ का निर्माण होगा। डिब्बे से कीड़े निकालने के लिए डिब्बे के कोने में भोजन रखें ताकि सभी कीड़े वहां चले जाएं। जहां से कीड़े चले गए हैं उस खाली हिस्से में से मिट्टी बाहर निकाल लें और उस मिट्टी को धूप में सुखा लें। और अब हमारी वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार है। अब आप इस वर्मी कंपोस्ट को अपने पौधों में कंपोस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।